अभी यहाँ पर आए हैं कि कामसा मंच के अंतर्गत ही कामेश्वर महादेव बस कामेश्वर महादेव की हम लोग जहाँ जहाँ गए सब जगह में संकट को देखा, वृंदावन में गोपीश्वर देखा और श्री गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव देखा, मथुरा में वहाँ पर बुद्धेश्वर देखा और श्री कांतावर में श्री कामेश्वर महादेव देखा। कहते धामों में हर धाम में ये संकट संकट ही दिखते हैं। बोले क्यों? बोले संकट की वैष्णव नाम जपा सब हो। ये वैष्णव में अग्रगण्य श्री शंकर जी, इसलिए वो चार तरफ में रहते हैं, अंदर में कृष्ण सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला करते हैं। प्रभु की लीला में किसी तरह का कोई व्याघात नहीं हो, उसमें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हो, इसलिए शंकर जी पूरा चार तरफ में घेर घेर करके शंकर जी बैठे हुए। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी भी वो जहाँ जहाँ जाते थे अक्सर करके शंकर जी को पास में वो रहा करते थे। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी जो काम्यवन में रहते थे ये कामेश्वर को पास में रहते थे। बोले कारण क्या? बोले कामेश्वर शंकर जी है, भगवान की अष्टकाली जितने लीला है वो सारे लीला को शंकर जी कहती है। श्रीमद भागवत है क्या जी, शंकर जी अमर कथा अमरनाथ में श्री पार्वती को सुनाई, इसलिए उसका नाम अमर कथा है। जितने पुराण है शंकर पार्वती के संवाद जितने सारे पुराण है, इसलिए शंकर जी रस्सी के भक्त है। शंकर जी रस्सी के भक्त, इसलिए पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। गोस्वामी जी कहते हैं बोले महामंत्र जय जप तमहेशा महामंत्र को जप करते हैं और काशी में सबको शंकर की मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे ये कामेश्वर है, इतने सारे कामना वासना को पूरी करने वाले, अभी हम इनकी शरण में आए, अभी इनसे क्या प्रार्थना करें। तो शंकर जी भोले बाबा है ना, शंकर जी को बताया शंकर जी ये भोले बाबा है, बड़े सीधा साधा शंकर जी। अगर कोई देवता जल्दी से जल्दी प्रसन्न होता है ना, शंकर जी जितने जल्दी खुश होते और कोई देवता इतने जल्दी खुश नहीं होते हैं। एक समय नारद जी को पास में मृगासुर मिले। मृगासुर ने कहा बताओ जगत में सबसे जल्दी कौन खुश होने वाले। बोले भैया भोले बाबा जैसे इतने जल्दी कौन खुश होते हैं। बोले भोले बाबा, बोले हाँ इतने श्री शंकर जी माँ शंकर जी को उपासना करने लगे, लेकिन शंकर जी खुश नहीं होते हैं। फिर अपना मांस को काट काट कर आहुत देने लगे, तभी खुश नहीं हुए। जब सर को काट के लिए देने के लिए तैयार हुए वहां शंकर जी प्रकट हो। बोले बरम पुरोहित तृप्त वस्तु बर मांगो। बोले मैं जिसको सर पर हाथ रखो वही जल करके राह बन जाएगा। उन्होंने शंकर जी से ये बर क्यों मांगी? देखा पास में माता पार्वती बड़ी सुंदरी बड़ी प्यारी है, बल्कि ये दिन रात आंख बंद करके बैठ जाता है, पर इतने सुंदर स्त्री को लेकर करेगा क्या? लेकिन ये जब तक रहेगा पार्वती को मैं नहीं ले सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर देखो एक शिक्षा देते हैं, भैया आप जिसको उपासना करोगे ना उसका गुण जरूर तेरे अंदर में आएगा। अक्सर करके जितने शंकर जी के भक्त को देखो, इसलिए कहते भव व्रता धरा जे चे तान समान व्रता पाखंड नस्ते भव तुस्तात्र परिपत्ति न। इसलिए ये अभिशाप को कहते श्री नंदी अभिशाप दिया है शंकर जी को, तेरे जितने भगत हो गए ना सब पाखंडी और भदुरा खाने वाले स्मशान में रहने वाले हैं, सबके सब अपवित्र रहेंगे। क्यों? शंकर जी का जो उपासना करोगे, जिसको उपासना करोगे उसका गुण तुम्हारे अंदर में आएगा। इसलिए देखो जितने शंकर जी के भक्त सब रावण किया गया सीता भी उठा कर ले गया, लेकिन ये जो शंकर जी कहते ये मूल शंकर नहीं है ना, ये रुद्र शिव है, लेकिन जो मूल में जो शंकर है कहते श्री सदाशिव है, ये कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले। इसलिए ये शंकर जी को पास में कभी भी ये दुनियादारी चीज हमें नहीं मांगनी चाहिए, इनको पास में जैसे सनातन गोस्वामी कहते हैं बोले श्रीमद गोपीश्वर वंदे शंकर करुणामय सर्व क्लेश हरम देवम वृंदारण्यम प्रति प्रदम वृंदावनाधिपते जय सोम सोम मौले
सनातन सनंदन नारदिष्ठ गोपीश्वर ब्रज विलास युगाग्रि पद में प्रेम प्रज छनित राम निरुपाधिका। इसलिए उन्होंने उनके चरण में जो जुगल सरकार श्री राधा गोविंद के चरण में प्रेम प्रार्थना करते हैं, शंकर जी जल्दी जल्दी वो प्रेम को प्रदान करने वाले। इसलिए कि जो कामेश्वर महादेव के पास में आए हैं, गुरु जी कहते थे भैया आप किस चीज को मांगेंगे कामेश्वर से, बोले भैया गुरु जी कहते थे ऐसे की चीज मांगो ना जिससे बड़ा चीज जगत में कुछ नहीं हो सकता है। गुरु जी कहते थे वो क्या है, बोले महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के जो अनर्पित चरित चिराग करुण यावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग सब भक्ति श्रिय। इसलिए महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के जो उन्नत उज्ज्वल जो रस है जो भावोल्लास रति श्री राधा रानी के अनुगत्य में हम कैसे श्री श्याम सुंदर धाम सेवा करेंगे। बोले चिराग दत्तम निज गुप्त बीतम, जिस संपत्ति को भगवान छुपा करके जिस संपत्ति को रखे थे, बल्कि क्यों छुपा करके रखे थे, बल्कि ये भक्ति साधारण भक्ति नहीं। इसलिए जो संपत्ति ब्रह्मा विरिंचिर पांचित जे प्रेम जगत फैलील ढाली कांगा ले पाया खाई नाचला बाजाया करताली। जे प्रेम को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जिस प्रेम के लिए तरसते हैं महाप्रभु वो दुर्लभ प्रेम को आसानी से वो दुर्लभ प्रेम प्रदान की वो क्या है कदे मंजरी धाम। इसलिए गुरुदेव कहते थे कामेश्वर महादेव ये सब काम की इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए कोई दुनियादारी चीज है जिसे नहीं मांगनी चाहिए, इनको पास में अप्राकृत जो काम जो प्रेम है जो मंजरी भाव जिसे प्रार्थना करेंगे जैसे ये हमारी इच्छा को ये पूरी करे श्री बस श्री कामेश्वर महादेव की। और जोर से आवाज लगाओ आज व्रत रखे हो, बस श्री कामेश्वर महादेव की। जैसे जिसको आस पास में वहां तीर्थ महाराज सुना देते ना जितने लीला आस पास में की यहाँ पर, इसलिए ये पांडव लोग भी यहीं पर रहा करते थे। इसलिए दुष्टम की बनवास हो गई, अभी दुर्योधन का बनवास पर उसका चैन नहीं पड़ रहा है। क्यों, बोले 13 साल बाद में फिर आएंगे, बोले इनको पूरा पत्ता साफ कर देनी चाहिए। इसलिए एक दिन दुर्वासा जी उनके घर में आए और दुर्वासा जी शंकर जी के अवतार है, क्षण तुष्ट क्षण दुष्ट थोड़ी समय संतुष्ट और थोड़ी में प्रसन्न है। उन्होंने ऐसे खिलाया पिलाया दुर्योधन, एकदम उनको उन्होंने प्रसन्न कर दिया। प्रसन्न करके जब दुर्वासा जी संतुष्ट हो गए, बोले ब्रह्मपुर भी बर्मा दो, बोले किसी तरह से इनको जान से खत्म कर दे पांडवों को, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बोले देखो आप जैसे हम लोग को ऊपर में कृपा की है, ये पास में काम्य वन में हमारे भाई लोग भी वहां पर रहते हैं, आप उनको पास में जाकर के उनको ऊपर में भी कृपा करो। लेकिन दुर्योधन को पता है सूर्यदेव संतुष्ट होकर के द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया है, जब तक ये द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक सारा दुनिया को खिला सकती है, लेकिन जब द्रौपदी खा लेगी एक बार फिर वो किसी को खिला नहीं सकती है। इसलिए वो पता लगा रहे थे द्रौपदी कब खा करके वो पात्र को धो धा कर रख ले। उन्होंने पहले ऋषि मुनियों को पतियों को खिला करके लास्ट में द्रौपदी खाती है। गुप्तचर ने उनको बताया अभी द्रौपदी भोजन करके पात्र को धो धा कर रख दिया। इतने में दुर्योधन उन्होंने दुर्वासा जी को भेज दिया, बोले अभी जाकर के उनको कृपा करो। जब यहाँ पर जो दुर्वासा जी आए युधिष्ठिर महाराज से काम उठे, बोले ये दुर्वासा नहीं ये स्वयं काल हमारे पास में आ गए। इतने में भीम को बोले जाओ भीम द्रौपदी को पास में जाओ पूछो तो खा चुकी कि नहीं। इतने में आकर बोले द्रौपदी क्या तुमने भोजन कर चुकी, बोले हाँ पहले तो ऋषि मुनि आपको खिलाने के बाद में मैं खाती हूँ। हमने सर्वनाश हो गया, आज दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को यहाँ पर ले लेकर के आए, यहाँ तो कोई राजकोष है ही नहीं जो कि हम बना करके झटाझट खिला दे उनको। इतने में श्री दुर्वासा जी को बोले आप जाओ कि जो बिमला कुंड में नहा करके आओ, हम खाने पीने का व्यवस्था करते हैं। जब उन्होंने गए नहाने के लिए, इतने में पांडव ने कहा द्रौपदी यद्यपि कृष्ण हम सबको प्रेम करते हैं लेकिन तेरे को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण द्रौपदी को सखी बोलकर संबोधन करते हैं, बल अभी तुम कृष्ण को थोड़ा भुलाओ। इतने में द्रौपदी बैठ करके आंखों से आंसुओं को बहाते हुए हृदय से उन्होंने कृष्ण को उन्होंने पुकारे, बोले हे कृष्ण कन्हैया हे पतित पावन हे भक्तों का त्राण करने वाले
मैं मेरे लिए कोई चिंता नहीं करती, ये पांडव गोपर अभी घोर विपत्ति आई है, हर समय तुमने हमको रक्षा की, इसी समय तुम रक्षा करो। कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ पर द्वारका में, और द्रौपदी बुला रहे हैं काम्यवन में। जब उन्होंने हृदय से पुकारी, वहां पर रुक्मिणी छापान्न भोग छत्री से व्यंजन को लेकर के कृष्ण को सामने रखे थे, इतने में द्रौपदी की पुकार कृष्ण का कान में टकराया और आया हुआ जो थाला को उन्होंने सरका दी। बोले प्रभु भोजन करो। बोले नहीं, आज अपना सखी द्रौपदी को घर में मैं भोजन करूंगा। बोले प्रभु अगर आया हुआ खाना को छोड़ कर गए ना, फिर सब सारा दिन तुमको भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए खा करके जाओ। बोले नहीं, मेरे पास में कोई समय नहीं, अभी हम जल्दी से जल्दी जाना। इतने में मन की गति से कृष्ण आकर के झट ये काम्यवन में प्रकट हो गए और द्रौपदी आंख बंद करके फुकार रही थी। इतने में आवाज आई, बोले द्रौपदी 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 चौंक उठी। बोले कृष्ण कहाँ से आ गए। इतने में आंख खोल कर देखती है ना, कृष्ण जिसको स्मरण कर रहे थे सामने साक्षात कृष्ण है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। एक नीति कीर्तन करते थे ना, बोले कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबर के जैसे तो खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपिया जैसे तो नचाते नहीं। इसलिए जब कृष्ण प्रकट हुए, बोले जब कृष्ण आ गए फिर तो किसी चीज की चिंता नहीं। इतने में बोले द्रौपदी सामने बरसा हुआ खाने को मैंने छोड़ करके आया हूँ, मेरे जल्दन भोजन कराओ। बोले प्रभु इसलिए तो आपको बुलाए, अभी दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर के आए, अभी यहाँ पर कुछ राजकोष है नहीं खिला दे। बोले द्रौपदी बाद में बोलना, क्या तुम्हारी दुख है, घर में कोई आए पहले तो खिलाओ खिलाओ फिर बात करो। बोले आपको पता जब तक मैं नहीं खाती हूँ तुम्हें आपको खिला सकती हूँ, मैं खा पी कर बटके को धो धा कर रख दिया। बोले ले करके आओ तो सही। जब उन्हें ले करके आए, कृष्ण की माया है, वहां पर केवल एक अन्न का दाना था, बोले एक ग्लास पानी दो। इतने में कृष्ण ने कहा अगर मैं विश्वभर हूँ, उन्होंने मैं तृप्त हो गया हूँ, ये विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो जाए। इतना बोलते ही वो ऋषि लोग जो स्नान कर रहे थे विमला कुंड में, उनका पेट इतना बड़ा बड़ा फूल गया, ऐसे फुला हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे दर्प जुस्से ले जब बया, जैसे ताज तरह का जैसे आप प्रसाद सेवन किया है। इतने में बोले भाई ये क्या हो गया सब, बोले ये क्या हमारा पेट इतना बड़ा बड़ा कैसे हो गया, हमने तो कुछ खाए नहीं। इतने में श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा भीम से जाओ गदा लेकर के उनको जाकर बुला करके लाओ। बोले प्रभु आप क्यों बोल रहे हो बुलाने के लिए, ये तो साक्षात काल है, बहुत को क्यों निमंत्रण दे रहे हो। बोले चिंता मत करो, जब भीम से ना आया गदा लेकर के, उन लोगों ने जब दूर से भीम को देखा, बोले भैया खाने पीने का तो जरूर व्यवस्था किए होंगे, और पेट ऐसे भरा हुआ है हजमला खाने का भी शक्ति नहीं, इतने पेट ऐसे जिसे उल्टी हो जाएगी, हजमला खाने का शक्ति नहीं। इतने में बोले भैया क्या किया जाए, बोले भागो यहाँ से। वही से भाग नहीं पा रहे थे, कोई इधर उधर से भागे, जब भीमसेन गया ना देखा मैदान खाली है, और जाते समय उन्होंने आशीर्वाद देकर के दुर्वासा गए, बोले जाओ तेरे शत्रु का विनाश हो जाएगा, उल्टा उन्होंने आशीर्वाद देकर गए। क्योंकि जो दुर्वासा है ये शंकर जी का बता रहे, और शंकर जी का कुछ जो अंश है कभी ये भीमसेन के अंदर में भी है कुछ अंश, इसलिए ये पंच पांडव ये साधारण नहीं। इसलिए जैसे उन्होंने अंबरीश महाराज का समय पर ऐसे किया, बोले कभी ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये शंकर जी का अवतार है, ये कभी कभी भक्तों को महिमा को बढ़ाने के लिए ये सब लीला किया करते रहते हैं। और यहीं पर ही आप लोगों ने श्रवण किया, युधिष्ठिर महाराज जब आए और उन्होंने उनको प्यास लगी, जब पानी लेने के लिए भेजे, इतने में हठात पहले भीम को भेजे, हठात शब्द आया, बोले सावधान। बोले कौन है, तो कहते बबूला है। बोले क्या बात है, बोले पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो फिर पानी दो। बोले बबूला के प्रश्न का उत्तर देकर भीम पानी लेगा, हम तेरे बात नहीं सुनते हैं, और पानी स्पर्श करते ही वे पर बेहोश हो गए। ऐसे ही सबके सब तीन भाई बेहोश, चार भाई बेहोश हो गए। लास्ट में जब श्री युधिष्ठिर महाराज आए, तब युधिष्ठिर महाराज साधारण नहीं,
युधिष्ठिर है मतलब युद्ध अवस्था में जो स्थिर है, तब उनको उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किया, उसमें चार प्रश्न विशेष है, हम चक्कर में खत्म कर देते हैं। जो पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न था कहाँ बोधते, जगत में कौन सुखी है, इसलिए उन्होंने प्रश्न है जगत में कौन सुखी है, इनका प्रश्न है। तब उन्होंने बोले देखो जगत में कोई खुशी है जो व्यक्ति अऋणी और अपरवास, जो कभी ऋणी नहीं है, क्योंकि दो तरह का ऋणी बताए। पहला ऋणी है, अगर हम जगत का कोई साधारण व्यक्ति का ऋणी रहते हैं, अगर हमारा दिमाग में सोच रहता है उसका पैसा ऋणी है। यहाँ पर दूसरा जो असली जो ऋणी भागवत में बताया, जगत में आने पर हमें छह तरह का ऋणी में आबद्ध होना पड़ता है, छह तरह का ऋणी है, देवता ऋणी, ऋषि ऋणी, पिता माता ऋणी और हमें राजा ऋणी, कभी हम छह तरह का ऋणी में हमको सबको सब आबद्ध होना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते अगर पिता माता का ऋणी को चुकाने के लिए कोशिश कर तो सारा जीवन में आप चुका नहीं सकते हो, केवल पिता माता फिर सारे ऋणी कैसे चुकाओ। हम कहते ना मैया के ऋणी, भैया के ऋणी, भैया जी का ऋणी कभी नहीं चुका सकते हैं। लेकिन एकादश में बताया बोले सर्वात्मनाजम शरणम शरणम, अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप में कृष्ण का शरण में अगर कोई आ जाए, अपनी आप सारे ऋणी से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जैसे हमारे ये ब्रह्मचारी सन्यासी लोग को इसका सिद्ध ऋणी, उन्हें तो पिता माता को सब छोड़ छाड़ के आ गए, सबको धोखे दे करके सन्यास साधु बन गए। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो व्यक्ति सब छोड़ करके गुरु जी के शरण में आ जाते हैं, पर उन्हें 36 करोड़ कर्म कांडीय ब्राह्मण को भगवान उनको ऋणी मुक्त करने के लिए नियुक्त किया है। जो सब कुछ छोड़ करके आ जाएगा इनका ऋणी ये लोग उतारेंगे। बोले अप्रवास, अप्रवास मतलब होता है जो अपना घर को छोड़कर और कहीं नहीं रहे वो सुखी। बोले सचमुच से असली घर कहाँ पर है, कहते ये जो घर है ये हमारी असली घर नहीं, हम रिफ्यूज होकर के यहाँ पर आए हैं, असली घर तो ठाकुर जी के शरण में है। इसलिए वही सुखी है जत गत्वा न निवर्तन्ते धत्ताम परम मम, जहाँ पर जाने पर जीव कभी इसी जगत में नहीं आए वो कहाँ है, कद भगवान तत् प्रसादात पराम शांति। जब तक जीव भगवान के चरण में नहीं पहुँचता है तब तक जन्म मृत्यु का चक्कर, और वही जाने पर ही जीव को परम शांति और परम सुख मिलेगा। उनका दूसरा प्रश्न था जगत में काच वार्ता, काच वार्ता, और उनका दूसरा प्रश्न है कहा पंथा, पंथ क्या है, असली पंथ क्या है। जब उन्होंने प्रश्न किया बोले श्रुतया स्मृतया श्रुति विवरणा श्रुतय विवरणा नासो मुनिर्जस मतम न भिन्नम धर्म सतत्व निहित गुहायाम महाजन जैन गत सपंथा। स्मृति अलग, स्मृति अलग, ऐसे कोई ऋषि मुनि नहीं जिसका मत अलग नहीं, लेकिन असली जो वास्तविक जो धर्म है वो अत्यंत रहस्यपूर्ण धर्म है। बोलो धर्म का रास्ता क्या, बोले महाजन जैन गत सपंथा, केवल एक ही पंथ है जो पूर्व पूर्व महाजन, बोले महाजन कौन है, बोले स्वयं नारद शंभु कुमार कपिल मनो प्रह्लाद जनक भीष्म बलि व्यास ने भयम, ये 12 महाजन और उनको जो अनुसरण करने वाले, इनका रास्ता ही हमारी वास्तव रूप में इनका रास्ता ही रास्ता। ऐसे उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किया है, वो लीला स्थल यहीं पर ही जयद्रथ ले रहा था द्रौपदी को, यहाँ पर बहुत सारे लीला पंच पांडवों का चरण तो द्वारा संपूर्ण ही अभिषिक्त है। एक तो कामना बने जहाँ पर अपना दिव्य जो अपराकृत काम को जहाँ पर उन्होंने पूर्ण किया, और जहाँ पर भक्तों का लीला का द्वारा संपूर्ण ये चरण धुनि को अगर अभिषिक्त है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ का चरण धुनि का स्पर्श करें, शंकर जी को प्रार्थना करें, और हमारे हृदय में अपराकृत जो काम है वो दिव्य काम हमारे हृदय में स्फूर्ति हो। बच्चा कृपा।